हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू द वर्कशीट 3 ऑफ चैप्टर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द सम वन. विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. हमें चेक करते हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स है. देखो, हमने ये एक्सपोनेंट इक्वेशन वाला केस हमने क्लास 6 में भी किया हुआ था. वहाँ आपको मैंने बताया था कि वहाँ सिंपल नंबर के केस में था कि अगर हमारा बेस सेम हो, बेस सेम वाले नंबर, बेस सेम की पावर वाले नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जैसे अभी इनका बेस क्या है 2, इसका भी बेस क्या है 2, और 2 की पावर है 5, पावर कुछ भी हो, अगर बेस सेम है और ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स हैं, बेस तो सेम का सेम रहता है, उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. सो दिस विल बिकम 2 to the power 12. सिमिलरली अगर यही हमारा होता है डिवीज़न के केस में, बेस बिल्कुल सेम होना चाहिए, अगर यहाँ बेस 2 है तो इधर भी 2, अगर इनकी पावर्स ऐसे ये डिवाइड हो रहा है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. बेस सेम का सेम और पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट. देन 2 to the power 2 विल बी द आंसर. सेम इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स. तो हमें देखना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. देखो, +3/4 to the power 3 मल्टीप्लाई -3 to the power 3 इज इक्वल्स टू -3/4 to the power 6. फर्स्टली तो देखो, ये सेम बेस नहीं है ना जो मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स तो ऐड हो ही नहीं सकती, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इन केस, 4/7 to the power 5 मल्टीप्लाई 4/7 to the power 3. सेम बेस है तो सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड होकर सही बन रहे हैं. सेम इन दिस केस, अब इसमें क्या है, डिवाइड है, दोनों का बेस सेम है -1/2, तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट होकर 4-3 क्या बन गया, 1. ठीक है. नेक्स्ट, 6/7 to the power 6 divided by 6/7 to the power 0. देखो, अगर सेम बेस है वो डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना, तो 6-0 क्या होना चाहिए था, 6 होनी चाहिए थी पावर, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट, सम टू, फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू. इन द फर्स्ट, -2/3 × -2/3 to the power 3. अब यहाँ -2/3 की कोई पावर नहीं है, मतलब यहाँ पावर कितनी है, 1. तो ये सेम बेस है, सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो इनकी पावर सेड होकर क्या बन जाएगी, 4. नेक्स्ट, 4/5 to the power, कोई पावर नहीं दे रखी थी, मल्टीप्लाई 4/5 to the power 9 इज इक्वल टू 4/5 to the power 11. अब मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हुई होंगी, तो 9 में क्या ऐड करने पर 11 बनना चाहिए था, 2. तो सेम वे में आप बाकी क्वेश्चंस भी इसके कर लेंगे. नाउ सम 3, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. हमें सिंप्लीफाई करना है और इनके रिजल्ट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर फॉर्म में. लाइक -3/7 to the power 3 × -3/7 to the power 4. दोनों सेम बेस हैं, अगर सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं तो बेस का बेस -3/7 एज इट इज, और उनकी जो पावर थी वो ऐड होकर 3+4, यानी पावर क्या बन गई इसकी, 7. दिस इज आंसर. इन द सेम वे डिवीज़न वाले भी हैं. देखो, जैसे थर्ड पार्ट है या फोर्थ पार्ट है, 1/4 to the power 8 डिवाइड बाय 1/4 to the power 6. तो 1/4 है दोनों का बेस और डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर सेम बेस हो तो और डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 1/4 to the power 2 इज द आंसर. सो सेम फॉर द अदर पार्ट्स ऑल्सो, सो यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस सम. नाउ द सम 4, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर. अब क्या करना है, देखो पहले वाले में तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही बताना था, बट इसमें हमें क्या करना है, एज अ रेशनल नंबर, यानी कि हमें सॉल्व करना है नंबर को. सो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही, बस एक स्टेप इंक्रीज हो गया. सो फर्स्टली 5/7 to the power 4 डिवाइड बाय 5/7 to the power 2. सेम बेस थी, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होकर बन गया 2. सिंप्लीफाई कर दो, 5/7 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 की पावर भी 2 और 7 की पावर भी 2, मतलब 5 भी 2 times रिपीट हो रहा है, 7 भी 2 times मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर 25/49. सेम फॉर द अदर पार्ट्स, सो यू कैन डू द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट. इवेल्युएट मतलब आपको सॉल्व करना है. फर्स्ट पार्ट देखो इसका, 3/4 to the power 3 × 2/3 to the power 2. अब यहाँ हमें कोई बेस हमें सेम नहीं दिख रहा, मतलब हमें यहाँ बेस सेम हमें बनाने हैं, क्लियर. तो 3/4 to the power 3, फर्स्टली इसका मीनिंग क्या हो जाता है, 3 की पावर 3, न्यूमरेटर की पावर 3 और डिनोमिनेटर की पावर 3, सेम 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 इसकी जगह हो गया. तो ये न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई. अब यहाँ देखो, 3 और 3 तो हमें मिल गए सेम, बट यहाँ 2 और 4 अलग गए, तो 4 को भी हम 2 की पावर में बना दें. अगर 4 को हम यहाँ चेंज करें तो 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2 और साथ में पावर 3 थी, तो क्या बन गया, 2 की पावर 6 हो गया इसकी जगह, क्लियर.
अब देखो 3/3 की पावर 3 और ये 3/3 की पावर 3 से ये डिवाइड हो रहा है ना 3 की पावर 2, तो माइनस हो गया। सेम 2 की पावर 6 और ये उसके अपोजिट तरफ है मतलब डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम नीचे ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो गई। सो ये आ गया, इसको सॉल्व कर देंगे, दिस इज आंसर। नेक्स्ट वन हमें यही क्वेश्चन दे रखी है। सो फर्स्टली हम इंटरनल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिवाइड था दोनों का और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होकर ये वाला टर्म एज इट इज, इसकी पावर 1 और इसकी पावर कुछ भी नहीं थी तो पावर 1 ले लेंगे। सेम अगेन डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है तो 1 - 1 पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आंसर क्या बनाता है, 1 बनाता है। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे हैं, सिंप्लीफाई है, सेम कुछ अलग नहीं है, थर्ड पार्ट में भी सेम है। फोर्थ पार्ट देखिए आप, 4 की पावर 2 - 3 की पावर 2 / 1/7 की पावर 2। अब इसमें हमें कुछ भी सेम नहीं दिख रहा, सेम बेस वाला, तो हम इसको ओपन करते जाते हैं। 4 की पावर 2 का मतलब 4 × 4, 3 की पावर 2 का मतलब -3 × 3 एंड डिवाइड बाय 1/7 to the power 2। इसको सॉल्व किया हमारा 7, बाकी सब एज इट इज। अब यहाँ हमें बेस तो सेम नहीं बन रहे, तो बेस सेम हम बना दें इसके, या हम दूसरे उससे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 7 की पावर 2। अब बेस सेम बन गई है, 7 की पावर 1 है और यहाँ 7 की पावर 2 है, तो ये पावर ऐड हो गई क्योंकि बेस सेम है, 7 की पावर 3। सो दिस इज द आंसर। सो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 3 to 5 इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।